हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी आप सब लोगों को। तो भाई आज मैं आया हूँ बगला मुखी धाम, जो है लुधियाना के अंदर एक बगला मुखी मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध बगला मुखी मंदिर है। और यहाँ से एक पटका आपको लेना पड़ेगा, जो कि अपने सर के ऊपर आपको बांधना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। और ये है ओम रीम बगला मुखी सर्दुमिष्टाना वाचम मुखम पदम सथम जीवान किल्ले बुद्धि विनाशनी उमिल स्वाहा। ये बगला मुखी मंदिर का जो है वो माता का जाप है। जो भी लुधियाना के निकट में जो भी लोग रहते हैं पंजाब में, वो सब लोग जानते होंगे कि भाई बगला मुखी बहुत बड़ा यज्ञ होता है यहाँ पर। माँ बगला मुखी का बहुत बड़ा यज्ञ होता है, माता बगला मुखी का यहाँ पर। और रविवार के, गुरुवार के दिन जो है संध्या समय, या गुरुवार रविवार के दिन जो है बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और ये आपने देखा होगा गाइस, यहाँ पर होता है भाई वो बगला मुखी का यज्ञ। मैं आपको स्थल दिखाता हूँ, यहाँ से श्रद्धालुओं की लाइन लगी होती है, हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। भाई यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं मिलती है, और ये सब जगह जो है, सारी जगह जो है वो श्रद्धालुओं के लिए होती है। ये लंगर हॉल है यहाँ पर, और ये है वो हवन कुंड कि जिस जगह पर माता बगला मुखी का यज्ञ होता है, यहाँ पर हमारे पुजारी जी जो है वो बैठते हैं, प्रमुख जो है बगला मुखी धाम से जो बुलाए जाते हैं। ये है वो जगह, ये है माँ बगला मुखी का चित्र, यहाँ पर होता है, यहाँ आहुति पड़ती है। कई बार तो गाइस 10-10 दिन, इस बार 10 दिन चला था ये यज्ञ, 10 दिन तक लगातार 207 घंटे जो है इस बार ये चला था, 207 घंटे यज्ञ चला था। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर एक छोटा सा बैनर भी रखा हुआ है इस चीज़ का, आप देखेंगे ये सामने देखिए, उस साइड जो है इस गेट के बाहर वहाँ पर लंगर लगाया जाता है, उसके बैक साइड ये देखिए गाइस, ये 2023 का ही है, आप देख सकते हैं फरवरी में जो है ना वो यज्ञ होता है 3 तारीख से 12 तारीख तक। तो तकरीबन 10 दिन का हो गया ये बगला मुखी का जो यज्ञ है। और यहाँ के लिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पर सेवा करते हैं उनके लिए सब यहाँ पर रूम बने हुए हैं। और यह है माँ बगला मुखी का मंदिर, जो कि लुधियाना में है पक्खोवाल रोड पे। तो आज मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ माता बगला मुखी के। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखाती है माँ बगला मुखी यहाँ पर। यहाँ पर जय माँ बगला मुखी, आपकी जय हो, जय माता दी। ये है मंदिर गाइस, ठीक है बता दो। देखिए गाइस, यह है वो मंदिर, माता की मूर्ति, भव्य मूर्ति जो है, यह है माँ बगला मुखी की मूर्ति, यहाँ पर होता है। यहाँ से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। देखिए गाइस, बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है माँ बगला मुखी का। एक तो कांगड़ा ज़िले में है और उसकी हूबहू मंदिर बनाया हुआ है माँ बगला मुखी का यहाँ पर लुधियाना के अंदर। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, एक दिन में बहुत से लोग यहाँ दर्शन करते हैं। ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये है देखो मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है माता बगला मुखी का। और मैंने आपको दिखाई दिया है कि जहाँ पर हमन होता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है, और ये सरस्वती माता का चित्र लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से श्रद्धालु आते हैं गाइस, यहाँ से वो पीछे जो लाइन लगी है यहाँ से, और लाखों श्रद्धालुओं के लिए यहाँ से एक छोटा रास्ता है वहाँ से खोला गया था, जो कि यहाँ से बनाया हुआ था सामने से, इन पेड़ों के बीच में से रास्ता बना हुआ था छोटा सा, और यहाँ निकलता था यहाँ पर लगा करके। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से रास्ता, और यहाँ पर जो है बगला मुखी का मंत्र बोल करके यहाँ पर हवन जलाया जाता है, और फिर इसके अंदर ये नारियल जो है 31 बार उल्टा घुमाया जाता है, फिर यहाँ पर जो है वो जलाया जाता है। ये है भगवान शिव की, शिव जी का मंदिर, ज्ञान कुंड है ये। ये देखिए भगवा भगवा, कभी भी आप लुधियाना आते हैं तो पक्खोवाल रोड पे आप दर्शन कर सकते हैं माता बगला मुखी के आकर के। यहाँ पर आप देखिए सामने, अगर सुबह शाम दिन में या दिन में एक बार भी अगर इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे, ये सामने जो मंत्र लिखा है बगला मुखी माता का,
तो घर में कोई क्लेश विपता आती है, ओम ह्रीम बगला मुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम सथम जीवान किल्ले बुद्धि विनाशनी अमीन स्वाहा, ये मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो कभी भी विपता नहीं आएगी घर के अंदर, और ना ही कोई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो पटकाव रख दे सकते हैं, यहाँ पर रखने जब जाते हैं तो यहाँ पर उतार के रख दे। ठीक है गाइस, तो मैंने दर्शन कर लिए माता के, क्योंकि कैमरा मैंने पंडित जी से बोल के यहाँ पर कैमरा भी अंदर ले गया था। ये मंदिर है देखिए, यहाँ से प्रवेश द्वार है और यहीं से एंट्री कर सकते हैं और यहीं से बाहर निकलते हैं गाइस। ठीक है, अच्छा ये जो दीवार लगी हुई है छोटी सी, यहाँ से तोड़ करके फिर जो है अंदर लोगों को श्रद्धालुओं को ये हटाई गई थी दीवार, यहाँ छोटे छोटे गेट लगाए गए थे। ठीक है, और भाई जिन्होंने ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें भाई। जय माता दी।